हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहां पर जेएसएससी की तरफ से झारखंड उत्पाद सिपाही की फॉर्म एडिटिंग की लिंक जो है उपलब्ध करा दी गई है। तो आप किन किन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, किन चीज़ों को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सारी डिटेल्स में देखेंगे और कैसे आपको एडिट करना है वो भी हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है ऑफिशियल पेज पर, जेएसएससी की ऑफिशियल वेब साइट पे। अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इजीली इस पेज पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहां पर जाना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई वाले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन जो यहां पर दिख रहा है, इस पर आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक यहां पर नया पेज ओपन होगा जिसमें यहां पर मेंशन किया गया है उत्पाद सिपाही की अप्लाई ऑनलाइन वाला जो स्लॉट यहां पर ओपन है दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ओपन करना है, एक नया पेज ओपन होगा। ओके यहां पर क्लिक करिए, फिर से आपका यहां पर देख लीजिए जो है वो यहां पर आ गया एप्लीकेशन एडिट अलाउड ओनली वंस, यहां पर ब्लिंक कर रहा है, तो इसी में आपको यहां पर क्लिक करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा आप यहां पर कि अपना फॉर्म जो है वो सिर्फ एक बार एडिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसको दोबारा चेक कर लीजिएगा और फिर जाकर तब जाकर जो है सबमिट करिएगा, क्योंकि फिर दोबारा आपको मौका एडिट करने का नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर तिथि जो मेंशन की गई है जेएसएससी की तरफ से 11 से लेकर आप 14 के बीच में अपना फॉर्म जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो इस पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा, क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद फिर यहां से आपका एक पेज नया फिर से ओपन होगा और यहां पर देख लीजिए आपको जो करने हैं कार्य, आपको यहां पर सबसे पहले कि आपको डेस्कटॉप मोड में या फिर कहिए कि पीसी में अपना यहां पर ओपन करिएगा। ठीक है, पीसी में ओपन करिएगा तो इस तरह से आपको यहां पर दिखेगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करिएगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, उसके बाद यहां पर जो कैप्चा दिया गया है, ठीक है, जो यहां पर उसको टेक्स्ट दिया गया है इमेज में वो यहां पर टाइप करिएगा और लॉगिन पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो आप किन किन चीजों को एडिट नहीं कर पाएंगे उस चीज का सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला यहां पर आपका लिस्ट में आता है, सबसे पहले आपका नेम, ठीक है, सबसे पहले आपका नेम जो है वो आप एडिट नहीं कर पाइएगा, अपना नाम जो है वो एडिट नहीं कर पाइएगा। मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर जो है वो अब वो भी आप एडिट नहीं कर पाइएगा। तीसरा जो है आपका यहां पर वो ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी जो है वो आप अपना ईमेल आईडी एडिट नहीं कर पाइएगा। और चौथा जो है यहां पर डेट ऑफ बर्थ, डेट बर्थ जो है वो ये भी आप एडिट नहीं कर पाइएगा। इसके अलावा आप चाहे जो चीज भी अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे आवासीय प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, ठीक है, या फिर आपका स्कूलिंग में कोई परसेंटेज में मार्क्स आपका कोई यहां पर जो है वो गलत हो गया है या फिर दोबारा एंटर करना चाहते हैं छूट गया है तो वो भी एंटर कर सकते हैं। एड्रेस चेंज करना है, फादर्स का नेम चेंज करना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, एक एक चीज का आप ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा, क्योंकि आप जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपकी सारी एक एक लेटर और एक एक चीज़ें यहाँ पर जो है वो जांच की जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा और सारे करेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है, दोबारा वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद सबमिट करिएगा। फोटो अपलोड नहीं किए, फोटो अपलोड कर लीजिए, अच्छी क्वालिटी का फोटो अपलोड करिएगा। सिग्नेचर अच्छे से अब यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जाति आवासीय आप सभी भर लीजिएगा। एड्रेस अच्छे से भरिएगा, यहाँ पर मैट्रिक में आपका कौन सा स्कूल था, कितना परसेंटेज था, क्या क्या सब्जेक्ट रहा था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। ठीक है, जो भी भरना है आपको अच्छे तरीके से भरना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो इन चार चीज़ों के अलावा आप सभी चीज़, ठीक है, आप जो भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं एडिट यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो लिंक उपलब्ध करा दी गई है और ये 11 तारीख से यहाँ पर कल से ये एक्टिवेट हो गई है और ये कल से लेकर 14 तारीख तक जो है ये एक्टिवेट रहेगी। तो आप इस दौरान अपना फॉर्म, अगर कोई भी त्रुटि होगी है, कुछ छूट गया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स आपको देनी थी, क्या क्या चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको दोस्तों जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।